बोलती थी अपनी दोनों बेटियों को बहुत पढ़ाना, अच्छा वो फ्यूचर में नाम रोशन करेगी। आपने तो कर दिया नाम रोशन, आपने सपना पूरा कर दिया, वो यहाँ पे है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ आपको खुशी है, मतलब आंसू नहीं, आंसू तो खुशी के है ना। रिसेंटली मेरी बुआ भी एक्सपायर हुई है, एंड मेरी उन बुआ का मतलब वो हमेशा पापा को बोलती थी, उनका इतना वो था होप कि वो हमेशा पापा को बोलती थी कि अपनी दोनों बेटियों को बहुत पढ़ाना, अच्छा वो फ्यूचर में नाम रोशन करेगी। आपने तो कर दिया नाम रोशन, आपने सपना पूरा कर दिया, वो यहाँ पे है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको खुशी है, मतलब आंसू नहीं, आंसू तो खुशी के है ना ये। हाँ और मैं जहाँ भी अब हुआ, मैं स्पेशल थैंक्स उनको करना चाहती हूँ, उन्हें मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी थी कि मैं आज जो भी है ये बहुत थैंक यू है उनको। और मेरा छोटू साई, उसने भी मेरी मतलब वो मेरे लिए लकी चाम था, उसकी मतलब उसने मेरी इतनी हेल्प करी, वो मेरा छोटू सा बट मेरे लिए वो लकी था। मतलब पापा का नाम मुझे रोशन करना है, तो फिर मैं बहुत मतलब मेहनत करती थी, रोती भी थी, खुद घर मैनेज करती थी, बट नहीं मेरे को था मैं कर सकती हूँ, मेरे में फुल डेडिकेशन थी और मैंने किया। अकाउंट्स का तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे फुल मार्क्स आएंगे। कैसे देखते हैं आपकी बच्ची ने नाम रोशन कर दिया पूरे परिवार के साथ? बहुत बहुत अच्छा, बहुत भगवान जानते खुश है, बहुत खुश है। ट्वेल्थ के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जम्मू के तमाम इलाकों से आप हर दिन खबरें सुन रहे हैं कि बच्चियों ने बाजी मारी है। जम्मू की बात करें तो यहाँ से पोजीशन होल्डर्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, अलग अलग स्ट्रीम से जो लड़कियों ने टॉप किया है, और लड़कों के कंपैरिजन अगर बात की जाए लड़कियों की, तो नतीजे यही कहते हैं कि लड़कियाँ एक बार फिर बाजी मार गई हैं। हालांकि लड़कों के नतीजे भी अच्छे हैं, लेकिन परसेंटेज जो पास आउट गर्ल्स हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर किया जाए लड़कों के साथ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है ट्वेल्थ का, क्योंकि कोरोना के अंदर जो थी इनकी स्टडीज़ रही बच्चों की, और उसके बाद जो नतीजे आते हैं, नतीजों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट बच्चों को मिलते हैं और सेटिस्फैक्शन हालांकि थोड़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे अगर रेगुलर क्लासेस होती तो हम इससे भी अच्छा जो होते वो रिजल्ट दे सकते थे। लेकिन आज मेरे साथ जो फैमिली आप पीछे देख रहे हैं, इनकी फैमिली में से भी जो इनकी बेटी हैं जम्मू की, उन्होंने जो है 98.2 मार्क्स स्कोर किए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा है अपने स्कूल का जहाँ ये स्टडीज कर रहे थे, और आखिरकार परिवार में माहौल किस तरीके का है, और जब नतीजे आ चुके हैं रिजल्ट के बाद किस तरीके की फीलिंग्स इनको हैं, और आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहती हैं लाइफ में, बातचीत करते हैं। आरुषि जोशी मेरे साथ हैं, पूरा परिवार मेरे साथ है। सबसे पहले आरुषि, आपको बहुत एक्सप्रेस की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने फर्स्ट पोजीशन जो है वो होल्ड स्कोर किया। मैं बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ एक अनएक्सपेक्टेड थी कि मैं इतना ज़्यादा सिक्योर कर सकती हूँ। मुझे मेरा फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे जो एल्डर्स थे उनका मुझे इतना सपोर्ट रहा है, मेरे स्कूल से मुझे इतना सपोर्ट मिला है, मेरी सिस्टर्स, एक सिस्टर मेरी ये है, एक सिस्टर मेरी दिल्ली में है, उसकी तरफ से भी मुझे इतना सपोर्ट मिला, इवन मेरी भाभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। वो मुझे मतलब घर से बाहर नहीं जाने देती थी, मुझे इतना सपोर्ट करती थी, नहीं तुझे पढ़ना है, तुझे 90 से अबो मार्क्स लेके रहने हैं। और मेरा छोटू साई, उसने भी मेरी मतलब वो मेरे लिए लकी चाम था, उसकी मतलब उसने मेरी इतनी हेल्प करी, वो मेरा छोटू सा बट मेरे लिए वो लकी था। जब से वो हमारी लाइफ में आया सब कुछ अच्छा हो रहा है, और मेरे को होप था कि नहीं मैं इस बार टॉप करूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। वो तो आपकी खुशी चेहरे से भी दिख रही है कि आप काफ़ी खुश हैं। स्ट्रीम कौन सी थी आपकी? मेरी कॉमर्स। कॉमर्स थी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्टडीज़ काफ़ी डिफिकल्ट पैटर्न रहा, क्योंकि 75% अटेम्प्ट करना था, 100% कंसीडर किया जाएगा, नया पैटर्न था, बच्चों में कन्फ्यूज़न भी थी कि किस तरीके से हमने एग्जाम देना है। उसके बीच में जो स्टडीज़ रही, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो असमंजस का माहौल बना रहा, कन्फ्यूजिंग वाला ये पूरा दौर रहा। किस तरीके की स्टडीज़ को प्लान किया आपने? क्योंकि मुझे सुनने में भी आ रहा है कि फैमिली में आप घर पर थे, मम्मी तबीयत ठीक नहीं, तो सब कुछ संभाल भी रहे थे, स्टडीज़ भी कर रहे थे, तो वो स्टडी जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? मतलब हाँ बहुत, मतलब मेरी स्टडीज़ के टाइम पे बहुत कुछ, मतलब पापा भी मेरे सडनली बीमार हो गए थे, मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था, और साथ में मदर उनका भी ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस में हो गया, तो फिर मतलब एग्ज़ाम्स भी थे, मैं मतलब स्टडी भी करती थी साथ में घर भी मैनेज करती थी, तो मतलब एक टाइम पे मेरे को भी ऐसा हो गया था कि मैं बहुत रोती थी कि मैं कैसे करूँगी, बट नहीं फिर भी मुझे होप था कि नहीं मैं करूँगी, अच्छा करूँगी, मुझे पापा का नाम कहीं ना कहीं अच्छा, मतलब पापा का नाम मुझे रोशन करना है, तो फिर मैं बहुत मतलब मेहनत करती थी, रोती भी थी, खुद घर मैनेज करती थी, बट नहीं मेरे को था मैं कर सकती हूँ, मेरे में फुल डेडिकेशन थी और मैंने किया। मुझे पूरी फैमिली का सपोर्ट मिला, मुझे स्कूल से सपोर्ट मिला, मेरे टीचर्स का सपोर्ट मिला, और
मैंने मैनेज कर लिया। पेपर्स के दिनों में मैंने लगभग मतलब मैं पढ़ती थी ऐसे, मतलब रेगुलरली पढ़ती थी पूरे साल, बट लास्ट के मंथ्स में मैं सुबह भी मॉर्निंग के टाइम पे और शाम में भी पढ़ती थी, रात में देर तक पढ़ती थी कि नहीं इस बार मैं कुछ करूँगी। नींद भी मेरी नींद भी उड़ गई थी कि नहीं मुझे करना है, तो फिर मैं पढ़ती थी एंड रिजल्ट तो फिर देख लिया सब। रिजल्ट आने के बाद अब चैन की नींद आई है कि नहीं आई? हाँ बताइए। अच्छी बात है। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, 98.2% आपने लिया, फर्स्ट पोजीशन लिया, इससे पहले आपके स्कूल में कितने हाइस्ट थे आपकी स्ट्रीम में? बात मेरी स्ट्रीम में अभी लास्ट ईयर मेरी सिस्टर भी पास आउट हुई है 12th से, इसका भी अच्छा स्कोर रहा है। और अभी तो मेरे को अभी स्कूल हम गए नहीं थे तो इतना खास पता नहीं है कि किसका क्या था, बट हाँ स्कूल से हमारी ऑलरेडी हाँ मतलब अच्छी परसेंटेज गई है हमारे स्कूल से भी, और इस बार भी अच्छी अच्छी परसेंटेज लाई है बहुत सारों ने। तो सबसे बेस्ट अगर बात करें तो किसको डेडिकेट करेंगे ये परसेंटेज वो आपकी, क्योंकि एफर्ट्स रहते हैं, फैमिली के भी रहते हैं, कोई मोटिवेशन यहाँ से हमें मिलती है, वो प्रेरणा स्रोत जो रहता है वो किसे मानते हैं कि इस इंसान की वजह से या फिर ये लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा जिसकी वजह से मैं अचीव कर पाई इस सक्सेस को? मेरी सिस्टर को। हाँ मतलब इसने मुझे मतलब ये पढ़ाती थी मुझे कि मैं तुझे मैं ये सब पढ़ाती तो तू कर सकती है, ये मुझे पढ़ाती थी। और साथ में दिल्ली में सिस्टर थी मेरी, उसने भी मुझे पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाती थी, ऑफिस भी होता था और मुझे पढ़ाती थी। ये मेरी बहन ये भी मुझे पढ़ाती थी अकाउंट्स वगैरह, और मतलब अकाउंट्स का तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे फुल मार्क्स आएंगे, मतलब इसने मेरे को पढ़ाया मेरी बहन ने। मैं मतलब बहुत मतलब बाकी सब्जेक्ट तो मैं कर ही लेती बट अकाउंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। और पेपर से एक दिन पहले भी मैं इतना रोई कि मुझे अकाउंट्स में चाहिए अच्छे नंबर चाहिए मुझे चाहिए, बट थैंक यू माता रानी का अच्छा हुआ। क्रेडिट दे रहे हैं आप? हाँ हाँ पूरा क्रेडिट। मम्मी पापा में से किसकी सपोर्ट रही? दोनों का, सबका। मैं बोलूँगी मेरी पूरी फैमिली का, पूरी सच्ची फैमिली का सपोर्ट था मुझे, पूरे एल्डर्स का, मेरा स्कूल अब्बई हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ की प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, सबका मुझे पूरा सपोर्ट था। हाँ पूरा। किस तरीके से सपोर्ट कर रहे? जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उस समय किस तरह की टीचिंग आपको प्रोवाइड करवा रहे थे? करवा रही थी मतलब टीचर्स मेरी कॉमर्स की जो टीचर हमारे स्कूल में विशाली मैम, वो भी पढ़ा रही थी हमें ऑनलाइन। बट जैसा कि है ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस होता है, तो ऑनलाइन पढ़ाते थे हमें। अब अगर कुछ मतलब जो नहीं समझ भी आता था, इवन हमें प्रिंसिपल ने इतना तक कहा था कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चन में आप स्कूल में आके भी वो क्लियर कर सकते हैं आप अपना डाउट। तो फिर ऐसे मतलब स्कूल में हमें फुल सपोर्ट था कि आपको कोई भी परेशानी होगी आप हमारे पास आइए और हम आपको वाला डाउट क्लियर करवाते हैं। तो इसमें हमारा स्कूल हमें फुल सपोर्ट करता था कि नहीं। अभी आगे का क्योंकि 12th तो हो चुका, 98.2 भी ले लिया, फर्स्ट पोजीशन भी ले ली, इसके बाद आगे का ड्रीम गोल जो है वो क्या रहने वाला ऋषि का? मेरा अभी तो मैं सोच रही हूँ मैं बीकॉम करूँगी, बीकॉम ऑनर्स में करूँगी बीकॉम, उसके आगे एमकॉम भी करूँगी एंड फर्दर आगे स्टडी तो कंटिन्यू करूँगी। देखते हैं अगर सीए हुआ किस्मत में तो सीए के लिए अप्लाई भी करूँगी मैं। सीए के लिए चार्टर कंप्लीट बनना चाहती हैं आरुषि, और इनका परिवार भी मेरे साथ है, उनसे भी बात करूँगा। पहले तो जिसको क्रेडिट दिया गया वो बहन इनकी बड़ी जो मेरे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। तो आपका नाम? खुशी। आप थोड़ा आगे आ जाए, आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या? खुशी जुत्शी। खुशी, आपकी बहन आरुषि ने 98.2 लिए हैं, आप भी सेम स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स ये भी सेम स्ट्रीम से हैं, लगता है कि आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया थोड़े से? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तोड़ दिया इसने, मेरे से 9-10% ज्यादा लाए। तो फील नहीं कर रहे बहन ने? कोई जरूरत नहीं है, इवन आई एम प्राउड कि मेरी बहन ने इतना कर दिया। इवन जब इसका अकाउंट्स का पेपर था आई वॉज लाइक कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। ये रो रही थी रात में और मैंने कहा नहीं मैं तेरे साथ रात को जागती, वो भी होता ना कि साथ में कुछ जागे, इसके साथ रात को जागा। इवन पापा कॉफी लाओ कॉफी लाते, ये तक नहीं सोए, ये बहुत ज्यादा टेंस थे अकाउंट्स को लेके क्योंकि ऑनलाइन उतना समझ नहीं आता था। सेटिस्फेक्शन हुई अब नतीजे आ गए? बहुत ज्यादा फुल है उसके अकाउंट्स में, तो इसके फुल है। चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहती है, लगता है सपना पूरा करेगी? बिल्कुल, मेरी बहन है ये। मैं इसके साथ हमारी पूरी फैमिली, हमारे परिवार में भी ऐसा होता था ना कि जब हम 12th करते थे तो इवन कि मेरी सिस्टर काफी इंटेलिजेंट है पढ़ने में, तो उसने पोजीशन लिया जब, तो मेरे आई नहीं तो मेरे को वो टॉन्ट ही मारती थी पूरी लाइफ में कि यार तूने लिया देख मैं तेरे से ज्यादा मार्क्स ले ले। तो हर बार वो शॉपिंग में भी ऐसे ज्यादा नंबर ले जाती थी, वहां पे भी कुछ लेना है तो सबसे पहले उसी को मिलता था, तूने मार्क्स कम है तेरे को क्यों देंगे, तेरी बहन को देंगे? सेम नहीं, बट ऐसा नहीं है इस यहाँ पे हमारे फैमिली में, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके मार्क्स ज़्यादा है हमारे ज़्यादा है। मेरे को पापा ने पूछा था कि तेरे को क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे को स्कूटी दे दो, मेरे को मिल गई। इसने अभी डिमांड करी मेरे को कार चाहिए सून, वो भी आ जाएगी इसके लिए, बट हमारी फैमिली में ऑलरेडी है सब लोग। इतने मार्क्स लिया पायलट मांगते, एरोप्लेन मांगते, शायद वो भी देते पापा को, कार मांगे।
मैं पापा से कुछ मांगू पापा मुझे अगले दिन हाजिर करे, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे पापा ने कितना स्ट्रगल किया पूरी लाइफ में, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आज जो मैंने ये परसेंट लाई है उसके लिए मैं पापा को प्राउड फील करवा सकी। इवन मैं ये भी समझूंगी थोड़ा सा ही है, आगे तक स्टार्टिंग से ही बोल रखा था कि कार चाहिए, मैं इतने मार्क्स लूंगी तो कार। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने इवन मैं अभी भी पापा को बोलती हूँ अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ कार देखते हैं जब एफर्ट करेंगे तब लेंगे, बट पापा ने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, वो मुझे पता है, हम हमारी फैमिली को पता है कितना स्ट्रगल किया, और मैं इतने को लगता है ये भी मतलब छोटी सी खुशी दिया मैंने पापा को ये भी परसेंटेज लाके, बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतना सा भी खुशी दी पापा को। बाबू कह रहे हैं बोलते बोलते इनके फादर साहब भी मेरे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर कैसा लग रहा है आज बेटी ने नाम रोशन किया है आपका, यानी पूरा जम्मू का कर दिया? हाँ जी बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इस गुड़िया ने मतलब बहुत स्ट्रगल किए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, उनकी मम्मा का भी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि पापा कोई बात नहीं हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो हालांकि मतलब ये ट्यूशन भी नहीं जा रही थी, मतलब विथाउट ट्यूशन उन्होंने इतना कुछ किया है, तो मैं बहुत उसके ऊपर बहुत खुश हूँ, हमारी सारी फैमिली खुश है, क्योंकि उनके यहाँ पर उनकी भाभी भी है, बहुत उनके पीछे लग रही थी कि हाँ जी मतलब क्या कर रहे हो, बाहर मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तो इन्होंने खुद भी एफर्ट्स लगाए और हमारा साथ भी उनकी पूरी उम्र साथ है। मतलब आज प्राउड फील कर रहे हैं वाकई, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत बहुत खुश है, हम बहुत खुश है, हमारे मदर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा फील हो रहा है? तो आप तबीयत ठीक नहीं थी जब ये स्टडीज़ कर रही थी, बताया मेरे को उन्होंने, तो अब तो रिजल्ट आ गया, तब तो ऐसे ठीक हो गए होंगे यार? मैं बहुत खुश हूँ। अब तो ठीक है? आप तो ठीक हूँ। हाँ। खुश है ना? हाँ तबीयत ठीक नहीं है इनसे, इनके नानू और नानी बुआ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, थोड़ा सर आगे आ जाएं आपसे बात करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पूरा परिवार यहाँ पर था, और क्योंकि बेटियों की बात की जाए तो आजकल जो खबरें न्यूज़ हो आप देखते हैं वहाँ पर तमाम चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो नेगेटिविटी को फैलाती हैं, लेकिन आज भी सोसाइटी के अंदर बेटियों को जो है बेटों से बढ़कर देखा जाता है, और बेटियाँ जो हैं वो बेटों से बढ़कर ही जो है वो दिखा भी रही हैं कि हम उनसे कम नहीं हैं। सर कैसे देखते हैं आपकी जो बेटी है उसने नाम रोशन कर दिया आपके पूरे खानदान का, साथ साथ में जम्मू का पूरा नाम रोशन कर दिया? बिल्कुल ठीक। कैसे देखते हैं? हमें पहले सबसे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग यहाँ आ गए ये सिचुएशन देखने के लिए। कैसे आप बच्ची ने जो है 98.2 मार्क्स लिए हैं परसेंटेज की अगर बात करें, परिवार में इतने किसी के थे जिसने रिकॉर्ड तोड़ी सभी का? ना परिवार में इस तरह किसी का नहीं, किसी का नहीं था। ये फर्स्ट ये फर्स्ट टाइम है। हाँ। क्योंकि ये फर्स्ट सबसे पोजिशन ले लिया है उसने, मेरी टॉप पोजिशन। कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए? हाँ हम सबको आशीर्वाद देते हैं, जो हमारे भी नहीं है उनको भी देते हैं कि तुम दुनिया में तरक्की करो, क्योंकि ज़माना आगे बहुत ख़राब आ रहा है, लिहाजा अपने काम पर डट के रहो, ठीक तरह माँ बाप की सेवा करो, वो करो अपने उस्तादों की, बस ऐसी ऐसी बातें हैं। वो आज भी कहीं ना कहीं जो है जब पता चलता है कि बेटी होने वाली घर पे या फिर बेटी होती है तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी के, सारे नहीं बोलूंगा, कुछ लोग आज भी हैं जो उस मानसिकता के साथ हैं कि नहीं बेटी होगी बेटा होना चाहिए था, लेकिन जब इस तरीके की बेटियां जो है नाम रोशन करती हैं फिर वही बाप का सीना चौड़ा हो जाता है और बोलते हैं नहीं बेटियाँ जो है बेटों से बढ़कर हैं। आज मतलब सवाल है, लड़का ऐसा काम नहीं करता है जो काम आजकल लड़कियाँ करती हैं, लिहाजा इस बात की खुशी है। अब ये सवाल ही नहीं उठता है कि उसका बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया या उसकी लड़की पैदा हो गई, चलो ठीक है लड़की होनी चाहिए। अब हर घर वाले बोलते हैं हमारे घर में लड़की नहीं है, लड़की होनी चाहिए। बिल्कुल, और ज़्यादा प्रेफरेंस आप लड़कियों को देते हैं। बिल्कुल, और ये रियलिटी भी है, जिस तरीके से परचम लहराया जा रहा है, चाहे धरती है चाहे आसमान है, हर जगह लड़कियां जो है वो परचम लहरा रही हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर आसमान और चंद्रमा तक जो है जो कदम रख रही हैं वो लड़कियां हमारी हैं, और हर जगह पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है डिफेंस के अंदर प्रमोशन जो था कैडर उसमें लड़कियों को दिया, जिस तरीके से जब रिपब्लिक परेड होती है उसमें जो शीर्ष नेतृत्व करती हैं वो लड़कियां होती हैं, हर जगह पर लड़कियां जो है अपना दमखम जो है वो दिखा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि लड़कों को डिमोरलाइज किया जा रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो धारणाएं थी उस धारणाओं को अब तोड़ा गया है और एक ब्रेकआउट जो है उस चेन को तोड़ दिया गया है, उन कड़ियों को तोड़ दिया गया है, उन बंदिशों को तोड़ दिया गया है। मैं उन परिवारों को भी जो है ये कहना चाहूंगा जो आज भी उस मानसिकता के साथ रहते हैं कि बेटियां जो है लड़कों से कम है, अब सोच को बदलने की जरूरत है, लड़कियां किसी से कम नहीं, आप उन्हें जो है खुला छोड़िए, उड़ने दीजिए, उनके पंखों को उड़ान भरने दीजिए ताकि वो अपनी लाइफ में अपने मुकाम को हासिल कर सकें जो वो करना चाहती हैं। आप उन्हें कम उम्र में शादी के बंधन में या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालकर उनके सपनों को जो है वो
बस सीमित ना कर दें, बस उन्हें जीने दें जिस तरीके से वो चाहती हैं, ताकि वो जिएंगी, आपका नाम रोशन करेंगी, आपका नाम रोशन होगा तो सोसाइटी के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन जो है वो लड़कियां करेंगे। फिलहाल आरुषि जोशी को एक बार फिर से हम मुबारकबाद देते हैं और हम यही कामना करते हैं, कहते हैं कि आपका भगवान जो है आपके सपने को वो पूरा करे। एक बार फिर से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, अभी रिसेंटली मेरी बुआ भी एक्सपायर हुई है, एंड मेरी उन बुआ का मतलब वो हमेशा पापा को बोलती थी, उनका इतना वो था होप कि वो हमेशा पापा को बोलती थी कि बोलती थी अपनी दोनों बेटियों को बहुत पढ़ाना, अच्छा वो फ्यूचर में नाम रोशन करेगी। आपने तो कर दिया नाम रोशन, आपने सपना पूरा कर दिया उनका, वो यहाँ भी हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं। खुशी के आंसू है और क्योंकि बुआ आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो यहाँ भी इनको आशीर्वाद जरूर दे रही हैं, और हम भी और आप भी इन्हें ब्लेसिंग जरूर दें। अपने कमेंट बॉक्स खुलें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसी एग्जांपल्स जो है सोसाइटी के लिए निकल कर सामने आए और बाकी बेटियों के लिए मिसाल बन सकें, जो ट्वेल्थ में हैं, जो किसी भी स्ट्रीम के अंदर हैं, जो चाहती हैं अपने सपने पूरा करना। तो आरुषि को देखें, इनके परिवार को देखें, आज खुशी के आंसू हैं इनके सारे परिवार में। कैसे देखते हैं, आपकी बेटी ने नाम रोशन कर दिया है, 98.82% मार्क्स लिए उन्होंने। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी हो बहुत कामयाब हो गई है, ये इसने अच्छे नंबर लिए हैं, तो मेरे पर बहुत प्राउड है, मेरे को बहुत खुश, बहुत बहुत खुश हो गए हम सारे परिवार, सारे हम बहुत खुश हो गए हैं कि इसने बहुत से अच्छे नंबर ले लिए हैं, हमें इस पर बहुत गर्व है। आंखों में सबके आंसू देख रहे हैं। हाँ, ये तो खुशी के आंसू हैं, हमें खुशी के आंसू, हमारे परिवार में इसने पहली बार इसने इतने अच्छे नंबर ले लिए हैं। प्राउड मूवमेंट है इनके लिए, खासकर जम्मू के लिए, क्योंकि जम्मू की बेटी ने नाम रोशन किया आप सभी का। तो एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है, इसे शेयर करिएगा, ताकि जम्मू की खबर निकलकर जो है पूरे देश भर में फैले, ताकि पता चल सके कि जम्मू के बच्चे जो है वो किसी से कम नहीं। अपॉर्चुनिटी की बात है, खाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये देश का नाम रोशन जरूर करेंगे, वर्ल्ड लेवल तक लेके जाएंगे। बाकी तो अपडेट्स के लिए बने रहे बाहू एक्सप्रेस पर, इधर उड़ा के साथ शुभ मिलेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।